press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। और मेरा आपसे एक निवेदन और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा क्रेडिट कार्ड के बारे में, कैसे क्रेडिट कार्ड बनेगा, क्या रीज़न है, क्या प्रोसेस है, कैसे आपको कार्ड मिलेगा, तो आप हमारे संग बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग से बता दूं, अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड को लेकर परेशान रहते हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि मुझे कैसे कार्ड मिलेगा। लोग दूसरों का सुनते हैं और दूसरों के बारे में देखते हैं, उनके पास अगर कार्ड होता है तो वो भी सोचते हैं कि काश मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड बन जाए। वो अदर अदर बैंकों में अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं, तरह तरह के मन में ख्याल आते हैं उनके, पर वो क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न है, किस कारण से आप लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है और क्या नियम आप लोग अपनाओगे, आप लोग क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो उसमें आपको इनकम प्रूफ चाहिए। अगर आपका इनकम प्रूफ नहीं है तो आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। अगर मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, आप अच्छे खासे ट्रांजैक्शन करते हो और आपके अकाउंट में अच्छे खासे बैलेंस हैं, तो उस हाल में बैंक आपको सामने से ऑफ़र जो है देता है क्रेडिट कार्ड के लिए। बट यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि बहुत से लोग का ये भी कहना है कि मैं 2 से 3 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी कार्ड का ऑफ़र नहीं आया। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको कार्ड बनवाना है तो एकदम आसान तरीका बताऊंगा, जो कि आपको प्रॉब्लम और दिक्कत भी नहीं होगा और आप जितने चाहे उतने बैंक को कार्ड आप बनवा सकते हो। एकदम आसान ट्रिक है, उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगने वाले नहीं हैं, ओनली नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। देखिए, जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपके अकाउंट में मैक्सिमम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 के समथिंग पैसा रहता ही है। तो मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो आपका अकाउंट जो है SBI में है, तो आप क्या करो कि अगर मान लो आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़े से पैसे इकट्ठा करके अपने अकाउंट में जमा कर दो। जमा करने के बाद आप ऑनलाइन जो है, या तो बैंक में जाकर आप बैंक से ये बोलो कि मुझे जो है अपने पैसे पर FD के रूप में एक क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो बैंक आपसे बोलेगा कि आपको कितने रुपए का कार्ड चाहिए, जैसे आपको कितना रुपया लगाना है। मैक्सिमम 25,000 से लेके आपका होता है, तो आप मेरे सलाह से, मेरे हिसाब से आप अगर 25,000 रुपया न लगा कर, अगर आप 50,000 रुपये अगर आप लगा देते हो FD में, अगर मान लो आप 50,000 या 55,000 या 56,000 रुपये अगर आप FD करवा के अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हो, तो उस हाल में आपको कार्ड 15 दिन के अंदर घर पे मिल जाएगा। जब वो कार्ड मिलता है, उस कार्ड को आप यूज करो, आप यूज करोगे और टाइम पे बिल पेमेंट करो, आपका सिविल रिपोर्ट अच्छा बन जाएगा। फिर इसके बाद उसी कार्ड के स्टेटमेंट को लेने के बाद, आपका थोड़ा कार्ड पुराना अगर हो जाए तो उस कार्ड के स्टेटमेंट के जरिए आप जो है एजेंट के थ्रू या किसी अदर बैंक में जाकर बोलोगे कि मैं अदर बैंक का कार्ड यूज करता हूँ और मुझे इस कार्ड के थ्रू दूसरा कार्ड चाहिए, तो बैंक क्या करेगा कि आपको उसी क्रेडिट कार्ड के बेस पर दूसरा कार्ड आपको बनाकर दे देगा। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ वो कार्ड आपको मिल जाएगा। फिर उस कार्ड को आप यूज करो, उसमें आपको लिमिट मिलेगी, जितना आपको उसमें लिमिट है, आपका सिविल रिपोर्ट अच्छा रहेगा तो आपको 1,00,000 भी लिमिट मिल सकता है, 1,50,000 मिल सकता है, 50,000 मिल सकता है। फिर उस कार्ड को यूज करो, जब आपका वो कार्ड करीबन कुछ साल या 7 महीने 8 महीने पुराना हो जाए, जो आपका FD वाला कार्ड था उस कार्ड को आप क्लोज करवा दो, उसे बंद करवा दो। सोचो, आपका पैसा, आपने कुछ दिन पैसे को लगाया, थोड़ा सा पैसे गेम खेला, आपके पैसे से आपको दूसरा कार्ड मिल गया, फिर आप इस कार्ड को ब्लॉक करवा दो, आपका पैसा जितना रहेगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। अब जो कार्ड आपको इसके रूप में वो मिला है, तो उस कार्ड को आप यूज करो, फिर
उस कार्ड के जरिए आप जितने बैंक का चाहोगे उतने बैंक का कार्ड आप बनवा सकते हो। तो ये पॉइंट वाली बात है, इसको आप नोट करना। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। देखिए, अगर आपको पैसे नहीं है तो भी आपका एक ट्रिक है, आप जो है ना किसी भी एक छोटी मोटी कंपनी से मोबाइल फ़ोन या अपना सिविल रिपोर्ट एकदम अच्छा बना लीजिए। paisabazaar.com bankbazaar.com पे आप अप्लाई करो ऑनलाइन। आपके पास कॉल आते हैं, आपसे पूछेंगे क्या आपकी इनकम कितनी है, तो आप उनको बता दो मेरी इनकम इतनी है, थोड़ी बढ़ाकर इनकम बताना। पर इस ट्रिक से आपका काम बहुत कम रहेगा, बहुत कम चांस रहेगा। अगर आपको जेन्युइन में कार्ड बनवाना रियल लाइफ में, तो आप FD करवा के कार्ड बनवाओ, 100% आपका कार्ड मिलेगा। देखिए भाई, मैं आपको अपने बारे में सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी इनकम ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 हज़ार मेरी इनकम है। मैं एक फैमिली पर्सन हूँ जो कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। 10 से 12 हज़ार मेरी इनकम है और मैं आज के समय मेरे पास 6 बैंकों कार्ड हो चुका है, 6 बैंक कार्ड हो गए हैं, वो भी लिमिट 1 लाख के ऊपर मुझे सभी कार्ड में मिले हैं। कैसे मिले हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पहली बार SBI कार्ड अप्लाई करवाया, मैंने जो है एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था। एजेंट ने मुझसे बोला कि आप मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हो, मैंने बोला कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने अपने अकाउंट में 30,000 रुपया मंथली जमा किया था, मेरे अकाउंट में हर महीने में अपने अकाउंट में 30,000 रुपया जमा करके NFT करता था और सुबह उस पैसे को निकाल लेता था। मेरे अकाउंट में 6 से 7 महीने का स्टेटमेंट बन गया। फिर मैंने क्या किया, उस स्टेटमेंट को निकाल कर ले आकर एजेंट को दे दिया। एजेंट ने उस स्टेटमेंट को देखा कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोकॉपी ये दे दिया, उसी बेस से मेरा अप्लाई हुआ। मेरा सिविल स्कोर अच्छा था, मेरे को SBI ने 70,000 रुपये कार्ड बनाकर दिया। फिर मैंने क्या किया, उस कार्ड को कुछ दिन यूज किया, उस कार्ड के थ्रू मैंने कोटक महिंद्रा बैंक बनवाया। फिर कोटक महिंद्रा बैंक यूज करके फिर मैंने जो है ICICI बैंक का कार्ड बनवाया। फिर मैंने जो है उसको यूज किया तो फिर मैंने जो है RBL बैंक का कार्ड बनवाया। RBL बैंक यूज किया, फिर मैंने HDFC बैंक का कार्ड बनवाया। उसको यूज करने के बाद फिर मैंने जो है एक्सिस बैंक का कार्ड के लिए अप्लाई किया, मेरा वो भी अप्रूव हो गया। बहुत जल्दी मैं अनबॉक्सिंग लेकर आऊँगा। फिर मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफर आया, आपको कार्ड के लिए ऑफर आपको मिलेगा, मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो पॉइंट वाली बात, मैं इस कार्ड से शॉपिंग नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं इस कार्ड से कभी भी जल्दी शॉपिंग नहीं करता हूँ। लोग बोलते हैं कि पर्सनल लोन ले लो आपको फ़ायदा मिलेगा, इसी कार्ड से आप पैसे निकाल लो वॉलेट के थ्रू और उसको MI में कन्वर्ट कर दो, आपको पर्सनल लोन से कम पैसा आपको इंटरेस्ट लगेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब मैं टाइम बिल पे करता हूँ, मेरा स्कोर अच्छा है, मैंने ही टिक लगाया था तो मेरे कोई पैसा नहीं था FD करवाने के लिए। तो अगर आपका पैसा है, हर महीने अपने बैंक में 30,000 के ऊपर जमा करो और उस पैसे को 2 दिन बाद निकाल लो। आपके अकाउंट में बैंक आपका स्टेटमेंट चेक करता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उसी बेस पर कार्ड आपको मिल सकता है आसानी से। आप जब भी कार्ड अप्लाई करो, एजेंट थ्रू कार्ड अप्लाई करो, आपको कार्ड जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, बट आपको कम से ना कम 5 से 6 महीने का स्टेटमेंट आप इकट्ठा कर लो, और या तो आप FD पे कार्ड बनवा लो, आपका कार्ड बनेगा आपको मिलेगा भी। ये ट्रिक है और कार्ड बनवाने का कोई तरीका नहीं है, आपको बैंक सामने से ऑफर करता तभी आपको कार्ड मिलेगा, नहीं तो आप कितना भी नाक रगड़ लो आपको कार्ड नहीं मिलेगा। आपका CFD करवा लो, चाहे हर महीने बैंक में 30 के ऊपर जमा करो, NFT करके जमा करो। आपका जब छानबीन करने के लिए एजेंट आते हैं तो आप अपना उनसे पूरा क्लियर बता सकते हो, मेरा ये जॉब है, मैं करता हूँ, स्टेटमेंट है आपका, जो जानकारी आप बैंक में दिए रहोगे उसी जानकारी को जांचने के लिए एजेंट आते हैं। भाई लोग, मैं 5 साल से कार्ड यूज कर रहा हूँ और मेरे को कार्ड के बारे में ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कैसे कार्ड यूज करना है, क्या इसके नियम है, क्या चार्जेस हैं, मैं पूरी नियम जानता हूँ, तो ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसी ट्रिक से आपको कार्ड मिलेगा, और नहीं तो कोई ट्रिक नहीं है। बाकी अगर आपका कार्ड बार बार डिक्लाइन होता है तब अप्लाई मत करना, नहीं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, सिविल स्कोर। बाकी आपको FD पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने, FD करवा लो, फायदा ही फायदा मिलेगा। बस यही कारण वीडियो लंबी हो गई है। अगर मेरी बातें या मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर करना। आपके मन में कोई भी ख्याल अगर आता है कार्ड के विषय में, आप मुझे कमेंट करना, पूरी हेल्प करेंगे। आप सिटी से हो या कहाँ से हो मुझे बताना, मैं जितना हो सके आप पूरी हेल्प करूँगा। बस यही कहना था, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना। हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मैं लाकर देता रहूँगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।